ना मेरी एक फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, और मेरे कमरे के हालात अभी कुछ ऐसे हो रहे हैं बिकॉज़ मैंने एक वीडियो शूट की है, एक रील बनाई थी और उस पर ये सारा कुछ मैंने यूज़ किया था, और ये सब कुछ अब मेरे रूम में बिखरा पड़ा है। ये मेरे भांजे ने यहाँ पे फेंके हुए अपने चप्पल, वो मेरे चप्पल पड़े हैं, झूली उनकी वहीं पर पड़ी हुई है। तो जो है ना, मैं चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ। ये हमारे कुछ खाने पीने की चीज़ों का शॉपर है ईद प्रेप्स के लिए। मेरे और मेरी बहन जो है ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। हम ले आए थे, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ईद पे जो है ना कुछ स्नैक्स वगैरह भी होने चाहिए खाने के लिए। सो अभी बस मैं अपने कमरे को मेंटेन कर लूँगी। बेडशीट मैंने बिछा ली थी, मुझे अभी बस अपने पिलोज़ को करना है, इनके कवर्स को चेंज करना है, एंड नमाज़ पढ़नी है और एक दो और काम करने हैं, और फिर मुझे सो जाना। हमारे घर में कुछ भी कहीं पर भी जा सकता है, पर जो ये दो चीज़ें ना, एक तो ये डायनो मेरे भांजे का और ये ट्रक, ये कहीं नहीं जा सकते। दीज टू थिंग्स आर क्वाइट परमानेंट। तो मैंने वॉच भी नहीं पहनी और मैं बस निकल आई हूँ घर से, बिकॉज मुझे कुछ सौदा इकट्ठा करना है। लाइक आई हैव टू गेट सम फ्रूट्स, सम इफ्तारी काइंड ऑफ स्टफ जो आप इफ्तार में रखते हो। सो उस सब के लिए मैं जा रही हूँ बाहर। मेरी फ्रेंड आ रही है आज, हर इफ्तारी इज एट माई प्लेस। तो अब बस मैं चीज़ें वगैरह लूँगी और फिर आई विल कम बैक टू होम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई रियली फॉरगेट टू रिकॉर्ड इट। सामान मेरा हो गया, एप्पल भी मिल गए, स्ट्रॉबेरी भी मिल गई, और मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं बिकॉज मैं इतनी खाती नहीं हूँ, और मैंने जस्ट उसके लिए ही बना लिया है। सो दैट्स वाई बस चलते हैं मार्ट पे, बस चलते हैं मार्ट पे और बाकी की चीज़ें लेते हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इफ्तारी में क्या खाती है और इसकी क्या रूटीन है। सो बस मैं अपने अंदाजे से जो रवायती चीज़ें होती हैं हमारी इफ्तारी की, वो ले रही थी, जिसमें आते हैं समोसे, रोल और फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें। फ्रूट चाट की चीज़ें मैंने ले ली थी। बाकी का सामान भी बस हो चुका है, अभी बस मैं बिलिंग के लिए जा रही थी और इन द मिड ऑफ द वे मुझे याद आया कि खजूरें रह गई हैं। देयर वाज अ गुड रेंज ऑफ डेट्स बट आई हैव चूज़न द वन दैट आई लव द मोस्ट। घर आने के बाद मेरी मेड ने कहा चलो चलो मेरे साथ ड्राइंग रूम में चलो और बताओ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमने ड्राइंग रूम का यू नो कारपेट चेंज किया, फिर मैंने उनको बताया कि आप ये डाइनिंग वगैरह को क्लीन करें। सो उन्होंने वो सारे काम किए और मैं किचन में आ गई। किचन में आते सबसे पहले मैंने फ्रूट चाट की तैयारी के लिए स्ट्रॉबेरीज को भिगो दिया था, बिकॉज मैंने जब इसको शॉपर से निकाला ना, देर वॉज क्या उसे कहते हैं, स्नेल, नहीं स्नेल नहीं होता, लाइक जो बारीक सा होता है वो कुछ उसमें आ रहा था, और आई वाज लाइक कि मुझे स्केरी लगा बिकॉज मैंने फलों में और कभी यू नो वेजेस में इस तरह से पहले नहीं देखा, तो इट वाज अ बिट स्केरी फॉर मी। और अभी बस सारे फ्रूट्स वगैरह धुल चुके हैं और ये कट भी चुके हैं ऑलमोस्ट, और फ्रूट चाट जो है वो मेरी तैयार होगी। सारी कर रही हैं, बस बिरयानी बनाने वाली रह गई और फ्राइंग ड्राई की। अभी मैं इसमें शावर लेने जा रही हूँ। रही मेरी आउटफिट, मेरी कबर्ड में बड़ी लिमिटेड से आउटफिट्स होते हैं जो मैंने पहनना होता है, वो मैं प्रेस कर लेती हूँ। सो ये है मेरा एथनिक का डे टू डे कैजुअल सा आउटफिट, बड़ी प्यारी स्क्रॉलिंग सी हुई है और चक में है, और बस ये मैं पहनूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मेक द बिरयानी। और बड़ा लाइट कलर है, हिफाजत के साथ करना पड़ेगा ताकि कपड़े खराब नहीं हो। शूज़ मेरे सामने यही पड़े थे, सो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, लेकिन ये इतने बुरे लगे कि बाद में मैंने उतार दिए थे। अभी बस हेयर ब्रश करेंगे, साथ ही साथ मेरा लेवॉन का सीरम आ गया जो बिल्कुल आखिरी लम्हात पे है, और यहाँ पे बिरयानी की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। बिरयानी मुझे बनाना बहुत ईजी लगता है, मुझे लगता है ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस का काम है, इसमें बहुत मेहनत नहीं होती, सो आई कैन मेक इट ईजीली। और मेरी फ्रेंड को बिरयानी पसंद भी बहुत है, तो मेरे लिए तो ये एक बड़ी मज़े की मील हो जाती है कि यार उसको पसंद है, मैं बनाऊँगी एंड डन, मुझे कुछ और नहीं करना है। लेकिन आज इफ्तारी भी थी सो मैंने साथ में बाकी चीज़ें भी करनी थी, तो मेरे पे एक प्रेशर था कि मुझे सब कुछ टाइम पर करना है, जबकि मेरी दोस्त बहुत लेट आई थी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट रोज़ा खुलने में तकरीबन 5 से 7 मिनट रह गए थे, और मैं बस आ गई थी किचन में फ्रैंक स्टार्ट करने के लिए, और दम मैंने लगा दिया था, मुझे ये था बस वो किसी भी लम्हे आ रही है। लेकिन असल में ये हुआ कि शी वेंट कोहिनूर, और कोहिनूर से उससे निकलते हुए इतना टाइम लग गया बिकॉज यू नो इफ्तारी का टाइम था और इतना रश हो जाता है हर जगह पे, सो वो वहाँ से निकल नहीं सकी और वो काफ़ी लेट हो गई। सो मेरी इफ्तारी जो थी वो टेबल पर लगी रह गई, और मैंने रोज़ा खोल लिया, उसने घर में यू नो कार में खोल लिया। और अभी मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मैंने क्या क्या बनाया और क्या बाहर से आया है। फिर बीच में मेरे पास कोई मेहंदी के लिए आ गया था और साथ में हम लोगों ने मज़ेदार सी चाय। आई विल ऐड अ क्लिप जिसमें मैंने पूरी अपनी लाइक ईदी दिखाई है, मेरी फ्रेंड क्या क्या लाई थी। सो आई हैव अ बैग राइट ओवर हियर जिसमें ये बास्केट बैग थी, वो वाली स्टोरी अपलोड करूंगी। सो आई हैव अ बैग हियर, बहुत ही खूबसूरत से ये इयर रिंग्स हैं जो कि मैंने पहन के चेक किया, मैं एक सुबह मुझे इफ्तार दावत पर जाना है उसके साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं, और साथ में ये बहुत ही खूबसूरत सी बैंगल्स
बैंगल्स और बैंगल्स बैंगल्स हैं, और साथ में है ये बड़ी खूबसूरत सी नेल पेंट जो कि है एसटी लंदन की, एंड ऑल्सो हैविंग एंकलेट। साथ ही साथ आई हैव ऑल्सो बाबा बेकरी का केक जो कि हम खा चुके हैं थोड़ा सा, और अभी कुछ रिमेनिंग पड़ा हुआ है, सो इसको मैं ऐसे ही उठाऊँगी और फ्रिज में रखूँगी। अभी अम्मा को बना के देते हैं फ्रोज़न पराठा, साथ में उनको टेंडर पॉप्स फ्राई करके देते हैं बिकॉज शी इज़ फीलिंग हंग्री। मेरा एथनिक का ड्रेस मुझे अच्छा लगा था बट नॉट दैट मच, इसके ज़रा शॉक जो हैं वो मेरे साइज़ के नहीं थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है ना अम्मा के मुताबिक मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरी दोस्त मज़े की बात है फ्राइड आइटम्स नहीं खाती, सो जितनी मैंने फ्राइड आइटम्स तैयार की थी वो सब मेरी घर से तो ज़ाया चली गई हैं बिकॉज उसने इसमें से एक भी पीस नहीं खाया, मुझे याद नहीं था कि मैं फ्राइड आइटम्स नहीं खा लेते हैं। लाइट ऑन और यहाँ से निकाल लेते हैं अपने फ्रोजन पराठे, बड़ी मैं बल्क क्वान्टिटी में लेकर आई हूँ बिकॉज ईद है और ईद के बाद भी गैस नहीं आ रही है। एंड इट्स द लास्ट सहरी ऑफ रमज़ान 2024। आई एम फीलिंग अ बिट सैड, और मेरी इसीलिए सहरी भी काफ़ी सैड है, बिल्कुल सिंपल सी सहरी आज की, पराठा अचार लस्सी और चाय, और बस अभी मैं ये इंजॉय करूँगी। इसके बाद मेरा मूड है कि मैं अपनी ज़रा वैक्सीन करूं, अगर नहीं तो फिर मैं सुबह सैलून से करवाऊंगी। मैंने वैक्स स्टार्ट की थी लेकिन मैंने की नहीं थी, मैं पहले बता दूं बिकॉज मुझसे सही से हुई नहीं थी। फिर मैं नेक्स्ट डे सैलून से जाके करवाई थी अपनी हाफ आर्म वैक्स बिकॉज मुझे दो पार्टीज़ पे जाना है जिसका व्लॉग नेक्स्ट आने वाला है विद इन आवर्स आफ्टर दिस अपलोडिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विल कैच यू गाइज इन अनदर वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।